अब मैं बुलाऊंगी सतीश प्रसाद जी को ताकि वो सम्मानित कर सके बीपीएससी टीचर में फ्रेशली रिक्रूट हुई रचना कुमारी जी को। यहाँ बचती रहनी चाहिए तो मैं यही कहना कि लड़कियाँ की शादी होती है स्पेशली हस्बैंड लोग के लिए कि आज की डेट में महिलाओं को काम करने से ज़्यादा पढ़ाई करने में भी रुचि अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। सब महिलाएं सोचती हैं कि हम भी अपने हस्बैंड के साथ खड़े होकर के चले इंडिपेंडेंट हों और उनको पूरा फुल बैक सपोर्ट दें। तो मेरा यही मतलब सपोर्ट रहता था। मेरी फैमिली में 15 मेंबर्स हैं और मेरी वाइफ सबसे छोटी, मैं सबसे छोटा, मैं 6 भाई हूँ। तो अब 5 गुतनी का प्रेशर, मतलब मेहनत का प्रेशर आप समझ सकते हैं कि मेरी वाइफ पे कितना होगा। लेकिन फिर भी मैं अपने भैया लोग को बताता था कि भैया 1 साल का इसको समय दो, उसका जितना प्रेशर मतलब होगा फिर ये हाउस वाइफ कहलाना चालू होगा। हमेशा कोशिश जारी रखो, सफलता आराम से मिलेगी। प्रेशर लेने से मतलब इंसान का हुनर जो है वो तरसता है, वो और तैयारी करता है। तो प्रेशर जितना झेलेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा तैयारी करते रहिए और प्रयास करते रहिए। जब मेरा एग्जाम दे के आए थे हम ना पूरा ब्लैंक हो गए थे। सर ने कॉल किया था, मैंने कहा कि सर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सर का भरोसा था कि नहीं रचना तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। और जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने सर को ही कॉल किया था। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस सर का आशीर्वाद बना रहे सब स्टूडेंट्स पर, आगे बढ़ते रहें।